that I will get something abnormal in my ECG. I never thought it. Actually, क्या सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. मुझे बहुत नींद आ रही है इसलिए मैं थोड़ा ऐसे मतलब ऐसे बोल रही हूँ. एक्चुअली आज हॉस्पिटल में दिखाया, अपना रिपोर्ट्स लाया, तो रिपोर्ट्स लाने के बाद थोड़ा सा मैं मतलब हल्की हो गई. पहले मुझे ऐसा लगा, आई शुड स्पीक इन इंग्लिश ना, या एक्चुअली एवरीथिंग वॉज अनप्लान्ड एंड दिस ट्रिप वॉज ऑल्सो अनप्लान्ड एंड माई रिपोर्ट्स वेर ऑल्सो अनप्लान्ड एंड आई नेवर थॉट कि अनएक्सपेक्टेडली आई नेवर थॉट दैट आई विल गेट समथिंग एबनॉर्मल इन माई ECG. आई नेवर थॉट इट. एक्चुअली क्या हुआ, आज सुबह जाके मुझे शॉक मिल गया जब मैंने ECG करवाया. सब पूजा कर रहे थे अपोलो हॉस्पिटल में, फिर मुझे खुद को ऐसा और ज़्यादा बीमारी फील हो गया कि सच में मैं बीमार हूँ. इतना दिन जब होता था मेरे को सिम्टम्स, आई वॉज लाइक आई वॉज इग्नोरिंग दोज. मतलब इग्नोरिंग मतलब बिल्कुल इग्नोर नहीं किया, ऐसा एकदम 100% इग्नोर नहीं किया, लेकिन मेरा कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा फ्रेंड्स लोग भी टी गार्डन में वॉक करने जाते थे, मैं भी वॉक करने जाती थी. तो मैंने आई वेंट फॉर ए वर्क इन द टी गार्डन एरिया इन माई कॉलेज एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो यूज टू वर्क. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 1.5 आवर, आई नोटिस्ड दैट माई लेफ्ट लेग हैव सोलन. तो मैंने नोटिस किया कि मेरा लेफ्ट लेग जो है वो थोड़ा सूज गया, मतलब फूल गया. तो मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया कि मेरा ये लेफ्ट लेग थोड़ा मतलब ऐसा कभी कभी ऐसा सूजता है. तो उसने तुरंत बोला कि मे बी इट कैन बी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलर. तो मैं डर गई. एक्चुअली हार्ट का जब फेलर होता है तो लेफ्ट लेग फूल जाता है. बट आई इग्नोर्ड, मतलब इग्नोर्ड कम्प्लीटली इग्नोर नहीं किया. फिर भी मैंने डॉक्टर को दिखाया अपने हॉस्पिटल में, वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था. लेकिन ये सिम्टम कभी कभी फिर से बाद में होता रहा. फिर रात में कभी कभी सोती हूँ तो मतलब नींद टूट जाता है. फिर रात में मतलब अपना कान में अपना धड़कन सुनाई देता है. ये बहुत पहले से ही देता था मुझे, मतलब अपना दिल का धड़कन अपने कान में मुझे बहुत पहले से मतलब धक 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 ऐसा सुनाई देता था. फिर मैं कभी कभी मैं लोगों को बोलती थी, लोग बोलते थे कि तुम ज़्यादा डरती हो, तुम ज़्यादा पढ़ती हो, तुम ज़्यादा ये वो, इसलिए मतलब बोलते थे. तो मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया और मेरा लाइफस्टाइल भी थोड़ा हार्मफुल लाइफस्टाइल मैंने अडॉप्ट कर लिया था, जैसे कि मुझे रात तक पढ़ना या फिर रात तक जगे रहना, मूवी देखना और सुबह देर तक उठना, सुबह जैसे कि 9 बजे 8 बजे उठना. तो ये मेरा गलती है कि मैंने मतलब थोड़ा देर तक सोती रही सुबह, अभी भी रात जग रही हूँ, जल्दी सो जाऊँगी. आजकल मैं थोड़ा जल्दी उठने लग गई, थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने लग गई मैं. सो एवरीथिंग टीचेस अस समथिंग इन इन द जर्नी ऑफ आवर लाइफ. सो आप लोग प्लीज़ प्रे फॉर मी. एक्चुअली आई एम नॉट दैट सीरियस, बट I have got something abnormal in my ECG. That's why I'm saying you all that if you are also adopting. Actually, what happened? Few days back, one day I woke up. This is not only with me, okay? This is with our generation. That's why I'm saying these things seriously. Actually, few days back, one day I woke up in the morning time, and one of my friend called me, and she was like, "She is dead." My another friend, I was like another junior, my junior, her name was Jerifa, and she was having dilated cardiomyopathy. That was also a shock for me. So nowadays sudden cardiac death is very common. And why it is very common? Because actually our lifestyle have changed, our diet have changed, our sleeping habit have changed, our walking habit have changed. We don't do exercises regularly, we don't walk. Everywhere we go to with some vehicle where we sit down in the staircases, we don't take the staircases, we take the lift. That is also a problem. So everywhere we are not using our energy, we are not burning our calories. That is also one of the main reason, and that is same reason happened with me also. So whatever, today actually I am in Chennai now. Main bahut bore kar rahi hu logo ko, mujhe pata hai, bahut serious baat hai. You should like speak on this. Actually, मैं एक्चुअली डिब्रूगढ़ से अपने घर जा रही थी. फिर आई स्टेड इन माई अंकल्स होम एंड एट 9 AM मैं अपने मतलब काका के अंकल के घर पहुँची. फिर उन्होंने बोला कि मेरा फ्लाइट है, मैं चेन्नई जा रहा हूँ 12 बजे, तो जाएगी? मैंने बोला हाँ मैं भी जाऊँगी. फिर मैंने हाँ कर दिया. फिर अचानक से उसी टाइम मैंने ना सोया, जल्दी से मतलब पूरा रात नहीं सोई थी बस पे, जल्दी से ब्रेकफास्ट करके बस नहा के और एक बैग पैक करके तुरंत चली आई. एक बैग से दूसरा बैग, छोटा एक बैग में कपड़ा वगैरह
मतलब पैक करके चली आई। तो चले आने के बाद मैंने सोचा नहीं था कि मैं दिखाऊंगी, अपने आप को भी दिखाऊंगी, मैं ये नहीं सोची थी। मेरा लैंग्वेज बहुत खराब है, कुछ ग्रामेटिकल एरर से आप लोग इग्नोर कीजिए। हिंदी में तो चलता है, मतलब हिंदी में ग्रामेटिकल एरर चलता है। हाँ, तो मतलब ऐसा है ना कि जब मैं आई, आने के बाद मेरे अंकल ने मतलब दिखाया पहले अपना प्रोस्टेट, फिर मेरी बहन ने बोला, वो भी डॉक्टर ही है मेरी कजिन, तो दे ऑल आर डॉक्टर्स एक्सेप्ट मी। You could also have been, but you have not tried. सो मेरे पापा भी मतलब आए हैं यहाँ पे दिखाने, तो ये सडन था, मुझे भी, हमें भी पता नहीं था कि ये लोग आए हैं। इसको तो पता नहीं था कि मेरा हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, अभी आज ही पता चला। सो आज ही रिजल्ट आया है। ये आप लोगों को ये ऐसा नहीं दिखा रही हूँ कि मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ऐसा है ना कि आई वॉन्ट टू मेक अवेयर पीपल अबाउट वाई दिस थिंग्स हैपन्स, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने चेक करवाया सब कुछ नॉर्मल था। इसे अब देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। ECG में तो रिपोर्ट ऐसा लिखा है कि बॉर्डर लाइन ECG एंड शॉर्ट PR इंटरवल, जो एक PR इंटरवल होता है वो मेरे को मेरे उसमें शॉर्ट है, मतलब जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम है। सो जो भी चीज़ एबनॉर्मल हो, मतलब थोड़ा तो कुछ रीज़न होता है ना। तो मैंने देखा उसका दो रीज़न है, वोल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम, मतलब एक ऐसा बंडल है जिसमें थोड़ा ब्लॉक हो जाता है। तुम बोलो फिर। ये मेरी कज़िन है, वो भी बात करेंगे आप लोगों के साथ। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह दुआ करना आप लोग। हाँ, मैंने बस थोड़ा सा ये डॉक्टर क्या बस ये बोल रही थी कि केयरफुल रहना चाहिए हम लोगों को, जैसे हम लोग इतना इग्नोरेंट हो गए हैं हमारे मतलब डेली लाइफ के लेके, डेली लाइफ को लेके हम लोग मतलब अच्छे से, हमको सब पता है कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या है हम लोगों को सब, मतलब कौन मतलब आजकल मतलब ये सब नहीं जानता, सबको पता है पर कोई फॉलो नहीं करता ये सब। तो यही थोड़ा मतलब अवेयरनेस बनाना चाहिए हम लोगों को। एंड शी इज अ मेडिकल स्टूडेंट, सो इट्स हर ड्यूटी, और यू कैन से क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में ज्यादातर मेडिकल रिलेटेड बातें करती हूँ, तो इसलिए मैंने ये बात बता दिया, नहीं तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं थी कि मेरा ऐसा हुआ वो हुआ। छोड़िए, सबका पर्सनल लाइफ होता है, लेकिन जो भी हो मतलब वही अनएक्सपेक्टेडली एक्चुअली मैं घूमने आई थी, फिर अच्छा हुआ मैंने चेकअप करवा लिया, फिर घूमे भी हम लोग बीच पे, और हम लोग अभी मिले हैं तो हम लोग शायद एक साथ घूमेंगे अभी फिर, और हम लोग अभी क्या होता है क्या मस्जिद, हाँ पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे अब यहाँ पे, और कहीं कहीं पे जाएंगे। आप लोग ब्लॉग देखते रहिएगा, मैं थोड़ा ज्यादा वीकली बात कर रही हूँ ना आप लोगों से, टायर्ड एक्चुअली, आई एम सो टायर्ड, मतलब सुबह से लेके पूरा, और अभी बात कर दिए ना फिर भी ये बहुत बड़ी बात है, तुम फिर भी इतना सारे बोल लिया, लाइक इट्स रियली टायरिंग फॉर हर, इसलिए हंस हंस के नहीं बोल पाए। हाँ, हंसाने वाली काम मैं कर देती हूँ, लाइक तुम्हारे साथ रह के लेकिन टायर्डनेस मेरा खत्म हो गया, क्योंकि तुम मतलब थोड़ा जॉली पर्सन, जॉली आई एम रियली। और ये एक बात आप लोगों को तो बोला ही नहीं, मेरी इस कजिन का भी ब्लॉग है और इंस्टाग्राम में 5000 फॉलोअर्स है, वो बड़ी बात नहीं है प्लीज, वो तो ऐसे लाइक मुझे शो नहीं करना है, माय गॉड, मुझे एक काम करना है। ओ आप लोग नहीं, बस हां मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक फिर भी नहीं चाहते, लाइक आप तो शायद मेडिकल, तुम्हारा शायद सारे सब्सक्राइबर मेडिकल, हमारा ज्यादा मेडिकल रिलेटेड सब्सक्राइबर होंगे, बट मेरा ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है, आई एम टोटली फ्रॉम डिफरेंट फील्ड एंड देयर इज नो रिलेशन विद मेडिकल साइंस ऑल दिस थिंग, बट या इफ यू वांट टू जस्ट एंजॉय एंड वांट टू एंजॉय वॉचिंग मी, देन यू कैन लाइक सब्सक्राइब मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल, या दैट्स ऑल, बट बाकी मैं ब्लेम नहीं को बहुत कहूँगी कि प्लीज सब्सक्राइब कर देना, देयर इज नथिंग लाइक दैट, नहीं भी करोगे तो चलेगा। लेकिन मेरा कर देना है। हाँ, इसका तो जरूर करना है, मेरा आप लोग सब्सक्राइब कर देना अगर देख रहे हो, क्योंकि मैं मेडिकल रिलेटेड बातें बोलती हूं। हां, लाइक आपको अगर सच में लाइक मेडिकल रिलेटेड बात है इसको, लाइक आई थिंक हेल्प होगा, ऑब्वियसली 10 मिनट हो गया मैंने इतना ज्यादा बात की, शी इज रियली वेरी टैलेंटेड गर्ल, आप इनकी सब्सक्राइबर होंगे आपको तो ऑब्वियसली अच्छा पता होगा, इसकी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन आंखों से देख के लाइक लिटरली, ये देखो ये देखा आंखों से, और मतलब क्या आने करें बोले तुम, कितना मतलब मैथ्स में कितना अच्छी हो, मैं बस मैथ्स मेजर से हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, लाइक आई एम लाइक ट्राइंग, आई एम लाइक स्ट्रगलिंग इन माय लाइफ, आई सम टाइम फॉर या आई एम स्ट्रगलिंग इन माय लाइफ, लाइक आई हैव नॉट रीच्ड दैट पोजीशन, लाइक एज शी हैज रीच्ड, लाइक शी इज अ मेडिकल स्टूडेंट ऑफिशियली, बट आई एम आल्सो स्ट्रगलिंग टू बी समथिंग, बट जस्ट विश मी लक एंड देन ओनली यू कैन सी, आई कैन से समथिंग लाइक एज यू आर,
बट करेंटली आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग लाइक माय लाइफ इज फुल ऑफ लाइक स्ट्रगल्स आई एम आल्सो स्ट्रगलिंग मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं बट स्टिल यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट ना सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी यू आर आल्सो अ स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट एमएससी स्टूडेंट इसमें क्या डिफरेंस है बोलो एक चीज डिफरेंस है कि हां हम लोग ह्यूमन लाइफ से डील करते करेंगे डिफरेंस इज उसका मतलब लाइक डॉक्टर ही कह सकते हो मेडिकल स्टूडेंट मतलब डॉक्टर बनेगा ही लाइक हमारा मतलब क्या बनेगा हमारा कोई मतलब हम कुछ भी बन सकते हैं भाई कुछ भी बन सकते तो जब मैं बनूंगी तब तुम कह सकते हो कि हाँ कुछ बन गई है लाइक तुम तो कुछ बनोगे आई नो तुम तो बनना ही है ना लाइक ऑब्वियसली लाइक कजिन्स इतने ऊपर जा रहे हैं तो हमें हमारा लाइक करियर वगैरह के बारे में बट हाँ डिस्कस करना चाहिए अलग अलग फील्ड से होना चाहिए बट हमारे फैमिली में ऑलमोस्ट सब लोग लाइक मेडिकल से ही है मैथ्स से शायद मैं और मेरे भाई ही है और हमारे मैथ्स का कॉपीज वगैरह देखा है मेरे को मेरे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है मतलब ये सब क्या है मतलब मैथ्स नहीं मैट्रिक्स झूठ बोल रही है झूठ बोल रही है सच में यार मतलब क्लास 10 में तो मतलब कितनी मतलब सब में अच्छी थी झूठ बोल रही है मतलब वो 10 में तो अच्छी थी आई 10 भी बन सकती थी कुछ भी मतलब जो चूज करे वही बन सकती थी झूठ बोल रही है नहीं 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 इतना भी नहीं जितना बोल रहे हो तुम इतना भी नहीं वैसे फन कर लिया हंसाने के लिए बोल दिया वैसे कुछ माइंड मत कर लेना मैं कुछ ऐसे उल्टा सीधा बोल दिया तो आप लोगों को लगेगा कि ये कहाँ से आ गई मेरे प्लान में कहाँ से आ गई मेरी कजिन अचानक से कहाँ से आ गई या कहाँ से आ गई लाइक इसके प्लान में मैं घर भी नहीं हूँ और मैं प्लान में मतलब आधा बोल दिया घर गई नहीं मैं डायरेक्ट चेन्नई चली आई अपने अंकल के साथ मतलब हम भी आए थे मतलब कोई मतलब प्लान नहीं था हम भी आए थे ऐसे यहाँ पे आके मतलब अचानक से पता चला कि ये भी आई है तो हमने सेम होटल में लिया बाद में चला कि ये लोग भी आ रहे मम्मी ने बोला कि ये लोग भी आ रहे हैं पापा ने बोला फिर अचानक से मतलब ऐसा हुआ वो लोग आ रहे तो एक साथ चले हम लोग एक साथ ही रह सकते हैं तो फिर हम लोगों ने वो आई थिंक माय वॉइस इज लाइक मैनली ना लाइक सी हाउ माय वॉइस यार बहुत कुछ बोल दिया और बोर कर दिया तो अभी फाइनली ये कुछ मतलब अमिताभ उनके बैकग्राउंड है नाना कि ना थक मना गए ऑब्वियसली थको तो यार फाइनली हो गया मतलब बहुत बात कर लिया बोर कर दिया आप लोगों को तो अभी रात भी हो गई तो अभी सोने आए हैं हम लोग सो जाएंगे उसके बाद देखते क्या होता है हम कहीं पे जाएंगे घूमने हम इस ब्लॉग में लाइक ये भी रहेगी मतलब होपफुली देखते हैं वैसे हम लोग मेडिकल चेकअप्स के लिए आए हैं मेरी सिस्टर की भी मतलब जाना फॉर हर लाइक शी इज अ डॉक्टर शी इज अ मेडिकल स्टूडेंट एंड स्टिल शी इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग लाइक दैट and please pray for her she's a very talented girl आप दुआ कीजिएगा मतलब मैंने दिखाया है थोड़ा ECG में थोड़ा सा abnormal मिला है heart का लेकिन just hope कि मतलब वो doctor मतलब कुछ ऐसा emergency ना बोले नहीं होगा कुछ यार ऐसा नहीं होगा बस आप दुआ कीजिएगा I don't think maybe मतलब I am not caring मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है she's so like cool like nothing like ऐसा कुछ होता है ना कभी कभी अंदर से ठीक हो जाएगा है ना please pray for her like ऐसा तो नहीं कि आज ही मर जाएंगे नहीं नहीं इंशाल्लाह लाइक कुछ भी हो लाइक अल्लाह जो अल्लाह अच्छा ही ऊपर वाला जो करेंगे वही मतलब सब कुछ पहले से लिखा हुआ है अल्लाह जो करेंगे वही होगा वही मतलब आप लोग दुआ कीजिएगा आप लोग भी सेफ रहिए मतलब ऐसा है ना हार्ट का प्रॉब्लम कब ज्यादा होता है सबसे ज्यादा मतलब क्या होता है कि वॉकिंग इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर हार्ट सो हम लोग जब एक्चुअली मेरा एक गलती है मैंने ना जब से मेडिकल पढ़ना शुरू किया तब से मेरा एक्सरसाइज करना कम हो गया ना ही मैं जिम करती हूँ ना ही मैं ज्यादा वॉकिंग इसलिए बहुत सारे चीजें मतलब रिड्यूस करते हैं ना जो बीमारी से बचा मैं मतलब ज्यादा साइकिलिंग करती हूँ थोड़ी थोड़ी बहुत ज्यादा भी नहीं कभी कभी और ज्यादातर मैं सोती रहती हूँ दैट इज वन ऑफ द मतलब मेरा ये गलती थी मतलब मैं आई थिंक ये हमारे जनरेशन के सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम है ये फिर ऐसा है ना लाइक ज्यादा से सोना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी बहुत लोगों का हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है तो मतलब सुबह सोना दैट इज द मोस्ट वर्स्ट थिंग हाँ यार लाइक तुम सुबह सोते हो ना मतलब सुबह टाइम में ज्यादा सोती हूँ ना तो उस वो मतलब बहुत ज्यादा सुबह उठना पड़ता है उसके वजह से सुबह उठना बहुत अच्छा है मतलब जब से मेरा यहाँ पे आई हूँ जब से कुछ मुझे मिला है तब से तो मैं सुबह उठने की कोशिश कर रही हूँ मतलब आज भी सुबह उठी तो मतलब आई एम चेंजिंग माई सेल्फ मतलब ऐसा है ना हमारा लाइफ करना चाहिए की वजह से बहुत सारा बीमारी मतलब ठीक हो जाता है जैसे हेल्दी डाइट्स एंड ये सब तो सबको पता है बट कोई करता नहीं है कोई करता नहीं है वही देखिए अभी देखिए मैं हम लोग इतना हेल्दी इंसान थी किसको पता था कि मैं फाइनल ईयर में आके मेरा ऐसा हो जाएगा मुझे खुद को पता नहीं था ये कल तक मैं ये सोच रही थी कि मेरा रिपोर्ट सारा नॉर्मल आएगा और मैं सोचूंगी कि मेरा पैसा ऐसे ही बर्बाद हो गया बट मैं ये सोच रही थी सोचिए आप लोग हम लोग बोलते हैं ना इंडियन लोग ऐसा बोलते हैं कि रिपोर्ट सारा नॉर्मल आने के बाद इतना पैसा खर्च किया ऐसे ही पैसा बर्बाद हो गया वो मेरा भी मेंटेलिटी था मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा था मैं सोच रही थी कि पैसा बर्बाद हो जाएगा चेकअप करा रहे हैं हार्ट का प्रॉब्लम होगा इतना सारा 12 20 टेस्ट करवाया पूरा फुल पैकेज 12,000 का
करवाने के बाद आई वॉज थिंकिंग कि इतना पैसा ऐसे ही खर्च, ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। मतलब बीमार आया तो वो बहुत अच्छा लगा है ना कुछ मतलब कैसा मतलब सिचुएशन देखो कि मतलब कोई मतलब रिपोर्ट में कोई अच्छा नहीं, कोई रिपोर्ट में कोई मतलब फनी है, ये फनी है लिटरली, फैक्ट है, हमारा मेंटेलिटी ऐसा है। ये क्या हो गया, ये पैराडॉक्स हो गया, पैराडॉक्स हो गया। हाँ लाइक तुमको ये भी मतलब अच्छा नहीं है, दोनों ही नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है। अगर पैसा खर्च हो गया कुछ नॉर्मल, लाइक सब कुछ नॉर्मल, पैसा खर्च हो गया और कुछ बीमारी निकला, अरे यार मतलब बीमार निकल गया तो उससे ज्यादा ही मतलब। तो करे क्या बंदा, चेक ही ना करो, चेकअप ही ना करो, है ना, यही करना पड़ेगा, सोल्यूशन तो यही है अगर दोनों मतलब। बट नहीं, चेकअप करना बहुत जरूरी है, कोई भी सिम्टम्स है आपको तो चेकअप प्लीज कराइए। सिम्टम्स था इसलिए मेरा, मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है आप लोगों का। पैल्पिटेशन, ओके, पैल्पिटेशन मतलब ऐसा धक धक, एंटी गेट मारते हैं दिमनी, स्टॉप करी, अभी स्टॉप करने जस्ट तुम अड्डा मत देना, अड्डा मत देना कोई दे। हां क्योंकि मेरे मेरे व्यूअर्स आई डोंट फील सो हेल्थ कॉन्शियस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऊपर से मेडिकल का नॉलेज मुझे नहीं लगता मेरे कोई व्यूअर्स कम कोई मेडिकल का नॉलेज का, तो मेरे वो अलग करके दे देना, मैं अलग से बनाती हूं, ऑब्वियसली तुम बोल दो, तुम खत्म। तो फिर तो भी रखते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में देखते क्या होता, नेक्स्ट देखते कल क्या होता है, बाय बाय, कीप वॉचिंग प्लीज यार, वॉच कर लो, बाय एंड सब्सक्राइब, एंड में बोलते हैं ये नहीं यार, ओके चलो बाय बाय, नेक्स्ट देखते क्या होता है, बाय, गुड नाइट, मतलब मेरे लिए गुड नाइट, बाय।